से वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर 3 साल में K4 मंसूबा मुकम्मल करेगी। नालों की सफाई और उन पर तजावुजात का खात्मा भी प्लान में शामिल है। NDMA नालों की सफाई और तजावुजात का खात्मा करेगा। सिंध हुकूमत बेघर होने वालों को मुतबादल जगह फराहम करेगी। कराची में सिवरेज के मसाइल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की मुरम्मत भी इसी पैकेज में शामिल होगी। सर्कुलर रेलवे, BRT और ग्रीन लाइन भी इसी पैकेज में बनेंगे। आज 5 सितम्बर है और गुज़िश्ता साल 2 सितम्बर को इमरान खान साहब ने इसी तरह बारिशों के बाद, पिछली बार तो ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो पिछले साल उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। तो 2 सितंबर को, अभी 2 दिन पहले, पहली बरसी हो गई है उसकी, इसलिए कि वो कैसी विलादत थी कि पैदा होते ही मर गई। हम उसकी सालगिरह तो नहीं कह सकते, बरसी ही कहेंगे, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था और मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ थे और MQM भी उनके साथ थी और बड़ा शोरा था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बन गई है, तमाम नालों के ऊपर सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े जो गुजर नाले हैं, बरसाती नाले साफ़ हो जाएंगे, कारपेटिंग हो जाएगी, 1 साल में इतना काम हो जाएगा, 2 साल में इतना काम हो जाएगा, K4 मनसूबा बनेगा, ग्रीन लाइन तो पता नहीं कितनी मरतबा उसकी तारीखें दी जा चुकी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि तीनों हुकूमतों ने कोई काम करके नहीं दिया कराची के लिए। 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान ये उनका पहला ऐलान नहीं था, बल्कि तीसरी बरसी 162 अरब रुपए के पैकेज की भी है अब, जो इमरान खान ने आज से 3 साल पहले जिसका ऐलान किया था। तो ऐलानात पे ऐलानात हैं, काम कुछ भी नहीं है। और अगर काम होता तो K4 मंसूबा तो मुकम्मल हो जाता ना 3 साल में।